जो करता है इंसान वो बहुत बड़ा दानव है, और जो ये नेत्र का जो सारी चीज़ें करते हैं वो तो दुनिया में सबसे बड़ी चीज़, सबसे बड़ा दान है, मतलब उससे बड़ी चीज़ कोई हो ही नहीं सकती। अगर उसके लिए लोगों के लिए चैरिटी होती है तो लोगों के ड्रीम्स जो आँखों में बसते हैं वो देख सकते हैं, और ड्रीम्स दिखाने के लिए ये लोग इतनी सारी फ्री दवाइयाँ देते हैं आँखों को ठीक रखने के लिए, आँखों के ऑपरेशन के लिए। तो मुझे लगता है कि ये एक नहीं, हमें भी बाहर जाकर लोगों से ये बोलना चाहिए कि बार बार ये लोग हम जैसे सेलिब्रिटीज यहाँ आएँ और इस बात को और इस चीज़ को दोहराएँ और लोगों को जानकारी दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन चीज़ों में शामिल हो और उनको लाभ मिले। प्रमोशन तो हो ही रहा है, लेकिन बिना प्रमोशन के भी अगर जीत भाई या मनोज भाई या जो भी ये अच्छा काम कर रहे हैं अगर हमको बुलाते तो आई एम श्योर ऑल बी आर्टिस्ट वुड सपोर्ट। तो प्रमोशन अपनी जगह है, लेकिन ये जो काम है ये बहुत बड़ा काम है, प्रमोशन से भी बड़ा काम ये है। एंड आई एम श्योर ऑल ऑफ अस, बिकॉज आई नो ऑल ऑफ दीज आर्टिस्ट हू आर विद मी, दे आर ऑल वेरी नाइस पीपल एंड हेल्पफुल पीपल एंड दे विल डू इट, फिल्म नो फिल्म, हम जाएंगे। जैसे मैं फिल्म में हूँ नहीं, आई एम हिज फ्रेंड। जब उसने हम लोगों का ये एक ही सारी सेलिब्रिटीज जो सेलिब्रिटीज अपने बल पे आगे बढ़े हैं जिंदगी में, जो नीचे स्क्रैच से आगे बढ़े हैं, उनको बताया कि दुनिया में तकलीफ क्या होती है, दुख क्या होता है, पैसा क्या होता है। तो आज मैं उस फिल्म के लिए नहीं हूँ, मैं एज अ गेस्ट आया हूँ, लेकिन जब मुझे बताया कि आँखों की बात और ये एक शिविर चल रहा है ना, एक लोगों को फ्री में इलाज कर देगा, तो मैं आ गया। तो उस तरह से अगर मैं इनसे बोलता या इनसे बोलता तो एक बार सोचते नहीं है, मतलब एक कदम आगे ही बढ़ता। बहुत मतलब हमने मेहनत की है इस फिल्म में और मतलब मस्ती भी की है, लेकिन प्रमोशन इस जगह पे देखो अच्छी जगह तो हर कोई करता ही है अच्छी ऑडियंस को तो, लेकिन हम लोग हर जगह ऐसे सोशल भी मतलब ऐसे लोगों के सामने जाके भी हम लोग जहाँ भी पॉसिबल है ऐसी जगह पे जाके हम लोग प्रमोशन कर रहे हैं, और इसी बहाने उन लोगों से मिलने का और इनके प्रॉब्लम जानने का या अच्छे हमको भी कुछ उनके लिए करने का मौका मिल रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और बहुत लकी है। अरे उल्टे मतलब उत्तम राव तेंदुलकर लक्ष्मण राव तेंदुलकर फिल्म बोलते पॉलिटिकल सोशल बेस पे है और मराठी बेस लिया हमने, तो और मैं चाहती हूँ कि हर कोई जो ये देख रहा है वो सब जब रिलीज हो फिल्म वो देखने जाए उल्टे। थैंक यू, थैंक यू। ये जो जीनी कर रहे हैं इट इज़ बहुत ही बढ़िया काम है, एंड हम लोग इसके साथ जुड़ पाए ये बहुत बड़ी बात है। सेम के मतलब अच्छा काम कर रहे हो और हम लोग इसका पार्ट बने इसी बहाने और फिल्म के प्रमोशन के बहाने, तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। मेरा नाम डॉक्टर मिकिन शाह है, मैं यहाँ पे एज अ कंसल्टेंट ऑप्थल्मोलॉजिस्ट आई स्पेशलिस्ट आता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे जियो सेवा ट्रस्ट ने जो यहाँ पे जीनी आई केयर सेंटर स्टार्ट किया है, राठौड़ सर का एक विजन है कि आई सर्विसेज हम अफोर्डेबल रेट्स पे दे सके एंड बाकी सारे जो है इनको उनको बेनिफिट मिल सकता है उनसे। एंड यहाँ पे स्टाफ में जो है और जो मेंबर्स है, हर्षा बेन है, नीता बेन है, वो लोग बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं एंड आई हैव बीन वर्किंग विद देम सिंस अ ईयर, तो ट्रेमेंडस हार्ड वर्क कर रहे हैं एंड कैंप्स, आई कैंप्स कंडक्ट कर रहे हैं, स्कूल कैंप कंडक्ट कर रहे हैं एंड दे आर ट्राइंग टू मेक श्योर के एटलीस्ट अफोर्डेबल रेट्स पे जितना कम में हो सके, काफ़ी सारे चैरिटी वर्क कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोग यहाँ पे। यहाँ पे मैं एज अ कैटरेक और लेजिक स्पेशलिस्ट आता हूँ, मोतीबिंद का और जिनको चश्मे का नंबर है उनको उतार चश्मे का नंबर कम करने का यहाँ पे सर्विस सर्जरीज वगैरह करते हैं हम यहाँ पे। हमारा जो जीनी सेवा ट्रस्ट जो एक साल पूरा कर रहा है, ये हमारे डॉक्टर मिकेन शाह हैं, बहुत अच्छा ऑपरेशंस करते हैं इन्होंने, हमारे एक साल में बहुत सारी सर्जरी की है जिसको और जिसको बहुत कम दिख रहा था उसको ऑपरेशन के बाद बहुत अच्छा विजन आया है, उनको अच्छा विजन आया है, तो वो लोग डॉक्टर के पास और रिकमेंड कर रहे हैं।
पेशेंट को कि बोल रहे हैं कि जीनी आई केयर में बहुत अच्छा ऑपरेशन हो रहा है, डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं और हमारी एक साल की सालगिरह है, उसके हम उसके उपलब्ध में हमने एक फ्री आई चेकअप रखा है, जो डॉक्टर सब आके स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, जो जैसे डॉक्टर मिकेंचा है और बाकी 5 डॉक्टर्स हैं, वो फ्री में चेकअप करेंगे, कंप्लीट आई चेकअप, जो नंबर है डॉक्टर्स और जो भी ओपिनियन देना चाहते हैं वो फ्री में हो जाएगा। यही आई केयर सेंटर स्टार्ट किया है, यहाँ पे सभी मॉडर्न इक्विपमेंट अवेलेबल है, आई रिलेटेड एनी डिजीज है किसी भी पेशेंट को, कैटरेक्ट से लेके टोसिस करेक्शन या DCR है या सभी तरह के आँख से रिलेटेड जो भी बीमारियाँ उसके लिए सभी मॉडर्न लेटेस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल है। और इस संस्था में काफ़ी मतलब कम रेट में अच्छी बेस्ट फैसिलिटी अवेलेबल है, तो ये एक सेंटर जरिया है लोगों को तक पहुंचने का, जिनको महंगी सुविधा है अफोर्डेबल नहीं है, तो हमको उन लोगों तक पहुंच रहे हैं। हम लोग फ्री आई चेकअप कैंप भी इस संस्था द्वारा ऑर्गेनाइज करते हैं, जो लोग संस्था तक नहीं आ सकते, सेंटर तक नहीं आ सकते, तो हम एरिया में जाके पुअर एंड स्लम जहाँ पे स्लम एरिया में लोग रहते हैं हम वहाँ भी पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग हमारे हॉस्पिटल तक नहीं पहुँच सकते हम उन तक पहुँच के एक कोशिश कर रहे हैं कि लोग ज़्यादातर आज डिजिटल एज में लोग ज़्यादातर टीवी मोबाइल लैपटॉप में बिजी रहते हैं, तो उनकी आंखों पे जो उसका गंभीर परिणाम होता है तो कभी कभी वो निग्लेक्ट करते हैं और वो प्रॉपर आई स्पेशलिस्ट के पास नहीं जाते, तो हम उन तक पहुँचते हैं और उनको बताते हैं कि उनको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है, उनको नंबर है, उनको ग्लासेस पहनने की ज़रूरत है, जो भी ट्रीटमेंट डायग्नोसिस यहाँ पे बेस्ट डॉक्टर्स है हमारे पास OPD में 6 बेस्ट एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्ट डॉक्टर्स है, दे आर गिविंग द बेस्ट ट्रीटमेंट टू आर पेशेंट, सो वी आर हैप्पी विद द डॉक्टर्स एंड जो पेशेंट्स आते हैं वो और पेशेंट्स को रिफर करते हैं, ये जान के हमें बहुत खुशी होती है कि वो दे आर वेरी सेटिस्फाइड एंड दे आर सेंडिंग मोर एंड मोर पीपल टू आर सेंटर। सो हमारा यही एम है कि ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक हम पहुँच सके और उनको सबसे अच्छी सुविधाएँ दे सकें। मुझे एक और कहना है कि हमारे एक साल से जो भी डॉक्टर जुड़े हुए हैं और जो हमारे हम जो जिस रेट में दे रहे हैं और अभी जो फ्री कर रहे हैं उसके हमारे साथ हमारे ट्रस्ट के साथ जो भी हमारे डॉक्टर जुड़े हुए हैं वो सबका मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। सब डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, कभी भी हम बुलाते हैं ट्रस्ट में आते हैं कभी भी हमें ना नहीं कहा है, सब डॉक्टर इतने अच्छे हैं, हमेशा पेशेंट के लिए तैयार रहते हैं, कभी भी हम बोलते हैं कि सर डॉक्टर साहब को जो भी डॉक्टर्स है अवेलेबल उनको बोलते हैं कि हमारे यहाँ है पेशेंट जो भी नहीं अफोर्ड कर सकता है उनका ऑपरेशन भी फ्री में करते हैं, इतने अच्छे डॉक्टर हैं यहाँ पे जिसका लाभ लोगों तक पहुँचाए, हम आप सबका जरिया बने यही हमारी कामना है। हमारे पास हम बहुत कम थे और आज हमारा कारवा आप देख रहे हो कितना बड़ा हो गया है। अभी हम सोसाइटीज़ में कर रहे हैं, स्कूल्स में कर रहे हैं और बहुत जगह हम करेंगे, जो हम आपको थोड़ी थोड़ी समय से हम मीडिया को बताते रहेंगे कि हम क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं। आप हमारे पास आइए कभी और हमारी जो तरक्की हो रही है, जो ट्रस्ट सेवा कर रहा है उसके आप अनुभव लेंगे। आज का जो इवेंट है इट्स नॉट जस्ट अ इवेंट, ये एक एनिवर्सरी नहीं है लेकिन टू मी इट्स अ मेगा इवेंट, और ये मेगा इवेंट एक महीने के लिए रोज़ चलता रहेगा, रोज़ ह्यूमैनिटी की सेवा की जाएगी। ये एक बहुत अच्छी मुहिम है, एक अच्छा मोर्चा है और एक अच्छी सोच है, जिसमें कि जीत कुमार जी और उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है जियो। जियो का मतलब कि एवरीबडी हैज़ रीज़न टू जियो, अब जियो कितना पॉजिटिविटी है इस वर्ड में जियो, एंड एक वरदान भी है और एक पॉजिटिविटी भी है, एंड इट्स अ वंडरफुल फीलिंग कि यहाँ पर जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनकी आंखों का इलाज किया जाता है, इलाज के अलावा उनका फ्री चेकअप किया जाता है, अगर ऑपरेशन है तो वेरी 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 नॉमिनल अमाउंट वन हैज़ टू पे फॉर दैट,
and it's a really very big thing, very big thing. Ulte film बहुत ही खूबसूरत बनी है, पहले तो मैं बताऊं, और उसका जो हीरो है वो स्क्रिप्ट है, मनोज नथवानी जी उसके डायरेक्टर हैं, और इनके जो प्रोड्यूसर्स हैं दे आर वेरी डिवाइन पीपल, दे आर वंडरफुल पीपल. फर्स्ट टाइम दे आर कमिंग आउट फॉर दिस फिल्म. इमांगिनी जी इज वन प्रोड्यूसर एंड जीत कुमार जी अनदर प्रोड्यूसर्स, और दोनों ही ऐसा लगता है जैसे रब के बच्चे हैं. अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पर उल्टे टीम क्या कर रही है. ये एक अनूठी एक वे है, एक ढंग है, जिसमें वी आर इन टच विद द ह्यूमैनिटी के यहाँ पे आके एंडोर्समेंट हम करते हैं. जहाँ जहाँ भी अच्छे काम होते हैं, जहाँ जहाँ भी भलाई के काम होते हैं, वहाँ उल्टे की टीम जाती है और जाके वो एंडोर्स करते हैं और एंडोर्स करते हैं. उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारी प्रेजेंस से हमारी फिल्म को दुआ मिलती है, क्योंकि आजकल पैसे तो कमाए जाते हैं, नाम भी कमाया जाता है, लेकिन आप दुआओं के लिए, ब्लेसिंग्स के लिए, अगर आपको ईमानदारी से अच्छी दुआएं और ब्लेसिंग्स मिलें, इट मीन्स यू हैव गॉट अ विनिंग इंस्टिंक्ट, एंड आपको बहुत अच्छा लगता है कि आपकी फिल्म को ब्लेस किया जाता है, लोगों को ब्लेस किया जाता है. वही ब्लेसिंग्स मिलती हैं, हम उनको देते हैं. वी एंडोर्स देम, वी विश देम ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस. देखिए, अगर आप देखें तो आजकल घनघोर कलयुग है. कलयुग के ज़माने में इस तरह का निस्वार्थ जो है, अगर आप देखें तो आजकल कलयुग है, घनघोर कलयुग है, और इसमें अगर ये सतयुग का एक छोटा सा पुट आता है तो कलयुग के भाग खुल जाते हैं. इस तरह का जो जियो काम कर रही है, आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट, कीप डूइंग गुड जॉब. जीत कुमार जी, इमांगनी जी, कीप डूइंग गुड जॉब, मे गॉड ब्लेस यू ऑलवेज. ये जियो आई केयर सेंटर है और इनका कुछ एक साल से चल रहा है आई केयर के हिसाब से, जो बहुत ही कम नॉमिनल प्राइस में लोगों की आंखों के कैटरेक्ट के ऑपरेशन करके दे रहे हैं, वो भी लेसिक से. और मैंने काफ़ी लोगों को पहले भी यहाँ से, अंधेरी एरिया है, मेन प्राइम स्पॉट पे है, तो आते जाते हुए देखा हुआ है, और इस वजह से मैंने कुछ लोगों को सजेस्ट भी किया, तो बहुत लोगों को तो इतनी अपनी आँखों में तकलीफें थी. जैसे कभी कभी ज़रूरी नहीं है कि आपकी आँखों में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो, कभी कभी ये भी हो सकता है कि आँखों में से पानी निकलना या आँखों को एक सूखापन लगना. हम हालांकि मोबाइल बहुत यूज़ करते हैं, हम टेलीविज़न देखते हैं, एयर में पोल्यूशन बहुत होता है, तो ऐसी छोटी छोटी तकलीफ़ों के लिए भी अगर आप एक आई केयर सेंटर में जाके एक क्वालिफाइड डॉक्टर से आई ड्रॉप्स लिखवाते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होता है, ना कि आप किसी मेडिकल स्टोर में जाके अपनी पसंद का कोई भी आई ड्रॉप उठा के अपनी आँखों में डाल दीजिए. क्योंकि आँखें जो होती हैं वो जीवन होता है, और आँखों से ही हम ये सारी खूबसूरत दुनिया जो भगवान ने बनाई है वो देख पाते हैं. तो ये जो एक महीने का इनका प्रोसेस है एनिवर्सरी ऑफर करके, 1 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक, तो मैं ये हर किसी से गुजारिश करना चाहूँगी कि भले आपकी आँखों में बहुत बड़े प्रॉब्लम ना हो, लेकिन अगर आपको छोटी छोटी प्रॉब्लम भी लगते हैं, जैसे आँखें कभी खटकना, ज़्यादा आँखों का सूखना, या आपको लगे आँखों में से पानी बहना, इन छोटे छोटे प्रॉब्लम को हम इग्नोर करते हैं, अवॉइड करते हैं, लेकिन कभी कभी देखा गया कि आँखों में सूखा होना, कभी कभी आपकी आँखों की जो नस होती है उसे इनफ ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होता है, या तो हम जो लड़कियाँ होती हैं वो बहुत बार आईलाइनर लगाती हैं, मस्करा लगाती हैं, तो वो जो प्रोडक्ट होते हैं वो आपके आईलैशेस के पास डिपॉजिट हो जाते हैं, उसकी वजह से भी इन्फेक्शन होता है. तो इतने सारे आई ड्रॉप्स हैं मार्केट में, आप कैसे जानोगे कि मेरी आँख के लिए कौन सा अच्छा है. लेकिन अगर आप किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाते हैं, स्पेशलिस्ट के पास, तो वो आपकी आंखें चेक करने के ही 500 से 2000 रुपए तक ले लेते हैं. यहाँ पे जो देखा गया मैंने, बहुत ही एक्सपीरियंस डॉक्टर्स हैं और वो एब्सोल्युटली फ्री
फिलहाल जो ये एक महीने का कैंप है उसमें एब्सोल्युटली फ्री आपको आई ड्रॉप सजेस्ट करके देंगे, क्योंकि ना ही हम लड़कियां आईलाइनर लगाना बंद करेंगी, ना ही हम काजल लगाना बंद करेंगी और ना ही हम मस्करा लगाना बंद करेंगी। तो जो एक केमिकल रिएक्शन होता है हमारे नेचुरल प्रोसेस आँखों का, उस वजह से आप देख पाओगे कि एक क्वालिफाइड डॉक्टर से अगर आप ले लेते हो आई ड्रॉप तो वो काफ़ी बेहतर रहता है।